वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सवेज। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, काफी ज्यादा लोगों ने हमें इसके लिंक्स भेजे। तो वीडियो के सीधे टाइटल के ऊपर आते हैं, वो है इंडिया सपोर्ट लॉयन ऑफ पंज शेयर इंडो यूएस क्यू आर एफ फोर्स इंडिया डिफेंस। मतलब इंडिया सपोर्ट करने लग गया है लॉयन ऑफ पंज शेयर। ये पंजशेर तो वो इलाका है ना भाई, जहाँ पे वो तालिबान से यही इलाका एक बच्चा है। हाँ, यही बच्चा है, क्योंकि इधर कोई अलग तहरीक चल रही है ना उनसे अटकने के लिए। मतलब वो कहते हैं कि जो पहले तालिबान के लोग थे वही हों, और सुनने में खबर भी आ रही है कि मतलब जो अमीरुल्लाह सालेह जिसने खुद को अपने आप वो इधर ही है, वो इधर ही है। तो और इंडो यूएस की कोई क्यू आर एफ फोर्स के बारे में भी हम देखने लगे हैं। तो जल्दी से पहले वीडियो देखते हैं और फुल फिर ही पता लगेगा क्या चीज है। इसका वीडियो अब हम देखेंगे। हाँ, इसमें मेन बात पता चलेगा क्या है, क्योंकि वो अमीरुल्लाह सालेह वहीं पर ही। हाँ, तो डिफेंस शो की वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई हैं अफगानिस्तान से। भारत और अमेरिका की संयुक्त क्यूआरएफ सेना के गठन के बारे में आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही साथ पंजशीर के शेर को किस तरह से भारत का साथ मिल रहा है ये भी बताऊंगा, और किस तरह से यहां पर अफगानिस्तान में चीन का प्लान फेल हो गया है ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही अफगानिस्तान की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं ना भाई। हाँ, तो दोस्तों, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत अमेरिका साथ आते हुए दिख रहे हैं। किस तरह से क्यूआरएफ फोर्स का गठन हुआ है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अफगानिस्तान की इम्पोर्टेंट और खबरें देना चाहूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पंजशीर से काफी रेजिस्टेंस आ रही है तालिबान के खिलाफ, और ऐसे में पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस को मदद की जरूरत है। तो अमेरिका और भारत की ये जो सेना है, इससे पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। और इसके साथ ही साथ पंजशीर का शेर कौन है, ये क्या होता है, इसके बारे में कई लोग पूछ रहे थे। तो दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ कि पंजशीर एक जगह है अफगानिस्तान में, और यहाँ पर अहमद शाह मसूद करके एक लीडर हुआ करते थे, जिन्होंने नॉर्दर्न अलायंस नाम के ग्रुप को लीड किया था 90 के दशक में तालिबान के खिलाफ। और उस समय पर सोवियत यूनियन भी काफी हावी हो रहा था उनको। अच्छा। तो उनके खिलाफ भी इन्होंने जंग छेड़ी थी, और तालिबान को उन्होंने काफी बार हराया हुआ था। और मंजर तो ये था कि तालिबान इनको एक भी बार यहाँ पर हरा नहीं पाया, तो इसी वजह से इनको लायन ऑफ पंजशीर कहा जाता था, यानी कि पंजशीर का शेर। तो अभी मौजूदा समय में इनके जो बेटे हैं अहमद मसूद, वो नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे हैं, और अमीरुल्लाह सालेह को भी इनका पूरा सपोर्ट प्राप्त है, और इनको यहाँ पर अभी पंजशीर का शेर कहा जा रहा है। दोस्तों, ये जो पंजशीर का शेर है यानी कि अहमद मसूद, इनको भारत भी मदद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी रिपोर्टें निकल कर आई हैं, हालांकि ये आधिकारिक नहीं है, लेकिन रिपोर्टें ये बता रही हैं कि भारत जो यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस की अपराइजिंग हो रही है, इस मूवमेंट को भारत बहुत बैकअप दे रहा है। इसमें क्लियर नहीं है कि क्या भारत ने इनको हथियार दिए हैं तालिबान से लड़ने के लिए, या किसी और तरह का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन रिपोर्टें हैं फिलहाल के लिए कि इनको भारत सपोर्ट दे रहा है। और अब यहाँ पर चीन का प्लान भी फेल होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी खदान है, और चीन इसको दोबारा से रीस्टार्ट करके अपने कब्जे में लेना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस तो उठ खड़ी हुई है। इसके अलावा भारत और अमेरिका भी साथ आते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को यहाँ पर साख बचाने की सिचुएशन पर आना पड़ा है, और अमेरिका के लिए अब उसकी इज्जत का मामला बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में जो बाइडेन की थूतू हो रही है, और ऐसे में अमेरिका ये चाहता है कि अब अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करा जाए। और इसीलिए अमेरिका की डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कमेटी, यहाँ पर जो मेंबर हैं इसके और एक तरह से अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं मार्क ग्रीन करके, उन्होंने यहाँ पर अपनी लीडरशिप को ये बोला है कि फटाफट एक क्विक रिएक्शन फोर्स बनाई जाए भारत के साथ मिलकर, और इसी को क्यूआरएफ में कह रहा हूँ, और इसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बनाया जाए, जिससे कि अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से जो बदतर स्थिति बनाई जाने वाली है उससे निपटने में ये क्विक रिएक्शन फोर्स, जो कि भारत और अमेरिका की है, ये काम करे। और साथ ही साथ इस फोर्स को टॉप सीक्रेट ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स दिए जाए, और इसके साथ ही साथ इनको स्टेल्थ ड्रोन भी प्रोवाइड करवाए जाए। और दोस्तों, ड्रोन्स की बात यहाँ पर हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं कि दुनिया का सबसे घातक जो ड्रोन है अमेरिका का MQ-9 रीपर, जिससे कि अमेरिका ने अपने देश में बैठे बैठे ही
बिना ईरान में घुसे ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। तो यहाँ पर यही ड्रोन दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये ड्रोन अटैक करने में बहुत माहिर होता है, तो इसके आ जाने से हम ये जो हमारी क्विक रिएक्शन फोर्स है ये नॉर्दर्न अलायंस को जाकर बैकअप दे सकती है कि चलिए आप नीचे से तालिबान से लड़िए, ऊपर से उन पर स्ट्राइक्स करते हैं। तो ऐसे में बहुत सपोर्ट मिल जाएगा उन्हें भी। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर इस फोर्स को बनाया जाता है यानी कि जम्मू कश्मीर की साइड में, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर अमेरिका आता है तो पाकिस्तान को अमेरिका को अपना एयर स्पेस भी देना ही पड़ेगा, और यहाँ से होकर हमारी जो फोर्स है ये अफगानिस्तान पहुंच सकती है आराम से। तो इस तरह का सुझाव अमेरिका के इस बड़े अधिकारी की ओर से दिया गया है। और साथ ही साथ इसके अलावा अमेरिका में भी पॉलिटिक्स गर्मा गई है अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर। जो बाइडेन को बहुत बुरी तरीके से घेर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, और उनका कहना है कि जो बाइडेन ने बहुत बड़ी गलती करी है और जो अमेरिका के हथियार थे वो भी वही छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि आखिर जो अमेरिका ने हथियार छोड़े थे वो कहाँ कहाँ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे तालिबान के हाथ लग गए हैं या फिर कुछ और है। दोस्तों अभी अभी खबरें निकल कर आई हैं कि कुछ हथियार तो तालिबान के हाथ लगे हैं, लेकिन तालिबान के बाद भी उससे आगे वो किसी और के हाथ भी लग चुके हैं, और ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा ये बन जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। मौजूदा खबर के बारे में आपका क्या कहना है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए उसके फादर ने मतलब तालिबान को रहा था, अब उसका बेटा असल में इनका इनके मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी थी, इन्होंने कहा था कि मतलब जब तालिबान पहले काबिज होना स्टार्ट हो गए थे ना सोवियत यूनियन के टाइम पे, मतलब और सारे जगह पे कब्जा कर लिया था, इस जगह पे कभी आज तक मतलब वो कब्जा नहीं कर सके, क्योंकि और अभी भी इस पे कब्जा नहीं है, अभी भी कब्जा, क्योंकि ये बहुत सख्त मतलब खिलाफ है उनके, ये वायद ऐसे बंदे हैं यार, सच में इन ऐसे बंदों को सलूट है। मतलब ये ऐसे बंदे हैं कि जो कहते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अच्छा, जो मतलब उसके खिलाफ है, ये कहते हैं गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी हो, लेकिन इनको राइट्स अच्छे देखो, देखो पहले अफगानिस्तान की हुकूमत गवर्नमेंट थी, ये इन्होंने किसी को नहीं छेड़ा, क्योंकि ये उनके साथ है, ठीक है, तब भी इंडिया इनका साथ दे रहा है, ऊपर से मतलब ये चाहते हैं मतलब इंडिया भी चाहता है कि अफगानिस्तान के लोगों को अच्छे राइट्स, अच्छे राइट्स मिलने चाहिए, इसी तरह पंजशेर के लोग भी चाहते हैं कि इनको इक्वल राइट्स, अच्छे इधर ही है, देखो लोग कह रहे थे भाग गया ये इधर चला गया, वो इधर ही है, मतलब वो कहीं है, और उसके बारे में बोला भी है कि वो पैसे लेकर भाग, वो तो यार पैसे लेकर भाग, और इन्होंने तालिबान ने जो बद्री फोर्स के बोल रहे ना, अभी ये पूरी दुनिया में क्यों अमेरिका के सारे इक्विपमेंट इन्होंने दिए हैं, जो बाइडन पे क्यों इतनी बातें हो रही है, देखो उसने हर किस्म का हथियार उनके लिए बिलियन ऑफ डॉलर का हेलीकॉप्टर छोड़ दिए, मतलब यार एक स्ट्रॉन्ग कर गया उनको, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर गया, क्या जरूरत थी इधर ट्रंप होता ना, स्ट्रॉन्ग करके कि इतनी स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान की आर्मी भी नहीं थी, इधर अगर ये होता ना ट्रंप, वो कहता सारी चीजें ले, वो कहता सारी चीजें लेकर आओ, अगर वो फिर भी आते तो उनपे अटैक करवा देता, अटैक, लेकिन इसने उनको खुला छोड़ी रखा, खुला छोड़ा, मतलब ये इससे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ब्लंडर उससे जो बाइडेन ने बहुत मतलब भगोड़े वाला काम है किस्म से, और पूरी दुनिया में मतलब उसकी, और जब उसने इस तरह किया तो वो कह रहे हो कि अमेरिका और उसमें दुनिया का सबसे घातक जो ड्रोन है स्टेल्थ, जिससे मतलब ईरान का भी कोई जनरल मारा था, जनरल मारा था वो वाला भाई, उसको जाके इंडिया की फोर्स को मिलेगा, और उससे मतलब आप नीचे से संभाले, हम ऊपर से संभालेंगे, तो मिलकर यानी जो है ना वो करेंगे उसके ऊपर, मतलब क्या बात है, उस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया को क्यूआरएफ फोर्स अमेरिका के साथ मिलकर बन रही है, बिल्कुल, तो जो कि बहुत बड़ा एक फायदा, बहुत बड़ा फायदा। तो गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।